नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑटो से अपने घर लौटने के दौरान ऑटो सवार दो महिला की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार छह महिला समेत सात लोग जख्मी हो गए। घटना पंचवारा थाना के लखपुरा के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला थी, जो बैंक से पैसा लेकर अपने घर धोरैया के आहिरों के पुरैनिया जा रही थी। इसी बीच ऑटो के असंतुलित होने से विशाल पेड़ से टकरा गई, जिसमें नौ लोग जख्मी हो गए थे। बाद में सभी को बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां दो महिला की मौत हो गई। वहीं बाकी सातों गंभीर रूप से जख्मी लोगों को भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना में पंचवारा में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। आज कुल मिलाकर तीन महिला समेत पांच लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। पूरी तरह से नई पिकअप वैन में एक ऐसा सीक्रेट चैम्बर से शराब की तस्करी हो रही थी, जिसकी जानकारी अब तक उत्पाद विभाग के लोगों को भी नहीं थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए पिकअप वैन से विदेशी शराब का जखीरा बरामद करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शराब की खेप झारखंड से लेकर मुंगेर ले जाया जा रहा था। 240 बोतल जब्त शराब काफी महंगी बताई जा रही है। कार्रवाई बौंसी थाना क्षेत्र में की गई। मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक अरुण मिश्र ने बताया कि इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए वाहन मालिक के विरुद्ध शराब तस्करी को लेकर मामला दर्ज करने की बात कही गई। बांका जिले के अमरपुर अस्पताल परिसर में मांगों के समर्थन में सफाई कर्मियों ने धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर सफाई कर्मी मोहम्मद बाबर, उत्तम कुमार, संजीव मेहतर, उर्मिला देवी, रूपवती देवी आदि ने बताया कि कोरोना काल में हम सभी सफाई कर्मी जान हथेली पर रखकर कार्य किए, लेकिन आज अस्पताल में सफाई का जिम्मा निजी संस्थानों को दे दिया गया है। निजी संस्था वाले दूसरे मजदूरों से कार्य करा रहे हैं, जबकि विगत तीन माह का हम लोगों का मानदेय बकाया रह गया है। सफाई कर्मियों ने बताया कि हम सभी सफाई कर्मी दिन रात अस्पताल परिसर में कार्य करते हुए पूरे परिसर की सफाई करते हैं, लेकिन मानदेय एक मजदूरों की मजदूरी से भी कम दिया जाता है। सफाई कर्मियों ने मानदेय के रूप में 8,000 प्रति माह की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में पुराने कर्मियों से कार्य कराने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हालांकि निजी संस्था के कार्यकर्तागण दूसरे सफाई कर्मियों से अस्पताल परिसर साफ करने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल में पहले से कार्यरत सफाई कर्मियों ने कार्य कराने का पुरजोर विरोध किया। मौके पर अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी ने पहले से कार्यरत सफाई कर्मियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े दिख रहे थे। काम करे छे 7,000 सर, तब प्रभारी सब करवाए छे काम करे छे सर, तब प्रभारी ये सोचे छे कि हमरा में नौकरी होते, तब सरकारी नौकरी नहीं होते सर, ठेकेदारी हुआ लगले, तो ठेकेदार पैसा नहीं दे रहे छे उतना सर, हम मांगे रहे छे 18,000 धोबी के सर, नहीं दे रहे छे हमरा, कहे नहीं देबो। पहले कितना देता था? पहले 7,000 देले। आपका पैसा भी बाकी है? हाँ, पैसा छे प्रभारी गाँव जो बाका सदर में दे रहा है, वही पैसा हम सब यहाँ मांग किए हैं। ये ठेकेदार आके दूसरे को लाके काम करवा रहा है आज के डेट से। ठेकेदार का नाम? हम अभी नया आया है, अभी हम सबको नहीं पता है। इसे हम 6 सुपर हैं, तो 6 सुपर को अभी तक बैठा कर रखे। परसों जो आए थे बोले हम सोच के बोलेंगे, हम सबको जो मांग है वो मांग पे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। पिछला बकाया भी है? पिछला बकाया सब बाकी है, क्या मना लो बोला। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के नया टोला हसनपुर गांव में दबंगों के द्वारा मस्जिद की जमीन पर जबरन दीवार देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीण मोहम्मद नियामत, मोहम्मद आलम, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद सलीम आदि ने थाने से अविलंब कार्य रोकने की गुहार लगाई है। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के ही मोहम्मद अहमद रजा जबरन मस्जिद की जमीन पर दीवार देकर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, जबकि 11 डिसमिल जमीन मस्जिद के नाम से है, जिसका खाता संख्या 25 खसरा संख्या 68 है। जमीन की रसीद भी मस्जिद के नाम से कटती आ रही है। पहले भी मोहम्मद अहमद रजा मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिस पर अंचल कर्मियों के द्वारा विवादित भूमि पर दोनों पक्षों को कार्य करने से रोक लगा दिया, लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए अहमद रजा दबंगई का प्रदर्शन कर दीवार दे रहे हैं। प्रभारी थाना अध्यक्ष रंजीव राजन ने बताया कि ग्रामीणों की फरियाद पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल कार्य रोकने का आदेश दिया गया है एवं दोनों पक्षों को शनिवार के दिन जनता दरबार में आकर अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के नया टोला हसनपुर गांव में दबंगों के द्वारा मस्जिद की जमीन पर जबरन दीवार देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीण मोहम्मद नियामत, मोहम्मद आलम, मोहम्मद हनीफ,